आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैप्रिकॉर्न साइन अगर आपका है, एक्वेरियस साइन या फिर पाइसेस साइन के व्यक्ति हैं आप, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में से कोई एक राशि है आपकी, तो आज की वीडियो खास है आपके लिए। अगर इनके अलावा आपकी कोई और राशि है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अपनी राशि के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में कि मार्च में 2023 राशिफल आपको किस प्रकार से परिणाम देगा, कितनी होगी आपको मार्च के महीने में समस्या और कितना आपको सहयोग मिलने वाला है अपने फ्रेंड सर्किल से, अपने दूसरे लोगों से। तो यहां पर हम इन सभी की बात करेंगे। राशिफल की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख ग्रहों का जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन, वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पर इस महीने, मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। मंगल की स्थिति वृषभ राशि से बदलेगी और मिथुन राशि की तरफ जाएगी। शुक्र की स्थिति मेष राशि के ऊपर आएगी और अगर हम बात करें सूर्य की स्थिति मीन राशि में जाएगी और बुध की स्थिति भी मीन राशि की तरफ ही जाते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पर अगर तारीख की बात करें तो 13 मार्च को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, 13 मार्च को ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, 16 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 17 मार्च को बुध देव का राशि परिवर्तन होगा और ये सभी आपको परिणाम देते हुए अपने राशि के अनुसार दिखाई देंगे। कितना आपको सहायता देंगे और कितना आपको तकलीफों में डालेंगे, इसकी बात हम करेंगे प्रत्येक राशि के ऊपर। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। तो शुरू करते हैं मकर राशि से। तो अगर मकर राशि की पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो अपनी वैल्यू को क्रिएट करने के लिए पूरी तरीके से ये इस वक्त सक्षम दिखाई देते हैं। तो अगर उनकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर निश्चित तौर पर वो अपने जो वैल्यू है उसे जनरेट करने की यहाँ पर पूरी क्षमता रखते हैं। तो यानी अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर एक वैल्यू जनरेट होते हुए दिखाई देगी। आप अपने समाज से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उसे कर सकते हैं, भरपूर एनर्जी यहाँ पर आपके अंदर दिखाई देती है। एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर अर्थमेटिक से जुड़ा हुआ, कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करते हैं, चाहे आप अकाउंट का काम करें, चाहे आप CA या इस जैसा कोई काम करें, या फिर आप लॉ की प्रैक्टिस ही करते हों, तो यहाँ पर आपको उन सभी से जुड़ा हुआ काम आपको फ़ायदा देता हुआ दिखाई देता है। उन सभी से जुड़ा हुआ जो आपकी जो स्टडी है वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है। राइटिंग के लिए ये समय बहुत अच्छा समय होने वाला है, तो अगर कोई एप्लीकेशन लिखनी हो तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप लिख सकते हैं। रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ पर उसे मेंटेन करने की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रेकअप भी दिखाई देता है। और उसका अगर रीज़न की बात की जाए तो अपने एग्रेशन पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल न होना, ये सबसे ज़्यादा जो है बड़ा रीज़न हो सकता है आपके अपने ब्रेकअप के लिए। अपनी लव लाइफ और अपने मैरिटल लाइफ दोनों में ही इसका जो है ध्यान आपको यहाँ पर ज़रूर रखना चाहिए, ऐसा आपका ये चार्ट आपको इंगित करता है। हेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर हेल्थ अच्छी जरूर रहेगी, लेकिन आपको बासी बचे हुए खाने से आपको बचना, यहाँ पर आपको ये दिखाई देता है इस चार्ट से। तो किसी भी प्रकार से आप बासी भोजन का सेवन न करें अपनी इच्छा से या किसी भी प्रकार से कोई गलती से। तो मार्च का महीना आपको यही इंगित करता हुआ दिखाई देता है। वेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर छोटी छोटी बचत आप जरूर करेंगे, लेकिन अगर बड़े खर्चे हो जाएंगे तो आप दिल खोल करके उस खर्चे को कर देंगे। तो यहाँ पर कुल मिला करके आप यही रिजल्ट निकल करके आता है कि थोड़ा सा हाथ मलेंगे और थोड़ा सा गर्मजोशी से खर्च करेंगे। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ आप इस वक्त अपने फंड को मैनेज करने की इच्छा रखते हैं और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ ही आप खर्च को भी करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि बड़े खर्चे आएंगे तो बिना सोचे समझे दिल खोल के खर्च करेंगे।
अगर आप ब्लॉगिंग का काम करते हैं या यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा समय यहाँ पर निकल करके दिखाई देता है। आप उससे अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ट्रैवल से जुड़ी हुई अगर बात करें तो यहाँ पर ये मंथ आपको एक प्रोग्राम बनाने की बात कहता है कि आप ट्रैवल के लिए कोई अच्छा सा प्रोग्राम यहाँ पर ज़रूर बना सकते हैं। तो मित्रों, अगली राशि की बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने जो है रंगों से जुड़ी हुई है तो होली पर हमारी जो वीडियो आने वाली समय में रिलीज़ हो रही है आप उसे ज़रूर देखें। चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो होली पर आपको किस प्रकार से और किस रंग से आपको कैसा प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देता है इसकी यहाँ पर बात की गई है। कौन सी राशि को किस रंग से जुड़े हुए जो है कार्य करने चाहिए इसकी भी यहाँ पर बात की गई है, और कौन सा रंग आपको कितनी देगा तरक्की इसकी भी यहाँ पर बात की गई है। तो इन सभी बातों को अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से आप वीडियो ज़रूर देख लें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो बात करते हैं एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि की। अगर हम कुंभ राशि के साइन को देखें तो यहीं पर सूर्य, मंगल और शनि की पोजीशन यहां पर बनी हुई है, और सूर्य का मैंने पहले ही बताया कि 16 मार्च को और बुध का 17 मार्च को एक राशि परिवर्तन होगा, और सूर्य से यहां से निकलेंगे कुंभ से और मीन राशि की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जब तक सूर्य की स्थिति और बुध की स्थिति और शनि की स्थिति यहाँ पर रहेगी आपको थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में एक अलग सा जो है स्थिति देखने को मिल रही होगी। अब यहाँ पर जब तक सूर्य की स्थिति बदलती नहीं है तो आपको थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर यहाँ पर डेवलप करते हुए दिखाई देगी। बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता यहाँ पर रखते हैं। किसी भी काम को आपको सौंप दिया जाए आप ना नहीं करते हैं, उसे हर प्रकार से मैनेज करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला करके आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी वर्कहोलिक पर्सनालिटी यहाँ पर निकल करके आती है। अथॉरिटेटिव यहाँ पर आप बनने की जो है स्थिति में यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देते हैं, क्योंकि अथॉरिटेटिव नहीं होंगे तो चीज़ों को मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी पोजीशन को भी यहाँ पर ग्रैब करने की क्षमता आप जरूर यहाँ पर रखते हैं। बहुत अच्छी तरीके से किसी से भी काम कराने की आपके अंदर कार्य कुशलता भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो कुल मिला करके अगर देखें तो पर्सनालिटी एक मिला जुला रूप में आपको मिलते हुए दिखाई देती है। एजुकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप एजुकेशन को जो है मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करने की क्षमता है, कोई एग्ज़ाम हो उसे क्लियर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक नए सब्जेक्ट की खोज कर सकते हैं। आप हर प्रकार से अपनी बुद्धि को मैनेज करने की भी क्षमता रखते हैं, बुद्धिमान भी यहाँ पर आप बिल्कुल दिखाई देते हैं। हर प्रकार की स्थिति से अगर आप निकलने की क्षमता रखते हैं तो कुल मिलाकर के आपको बुद्धि से युक्त यहाँ पर ये उपाधि दी जा सकती है। तो इसलिए एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला आप बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार करके यहाँ पर लेंगे, और लेने की क्षमता आपके अंदर मौजूद है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो मेंटेन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपके राशि में भी रिलेशनशिप पर ब्रेक जरूर दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अगर आपका जो है अथॉरिटेटिव या एग्रेसिव आपका बिहेवियर रहेगा तो यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। आपका लव रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो सकता है, आपका मैरिटल रिलेशनशिप भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसे आपको मेंटेन करने की यहाँ पर ज़रूरत दिखाई देती है। हेल्थ की बात कर लें तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य होगा, लेकिन ओवर फूड से आपको यहाँ पर बचना होगा। ये मत सोचिए कि जो भोजन आज आपको मिल रहा है वो आपको आने वाले समय में नहीं मिलेगा। जाने या अनजाने तरीके से अगर आप भोजन किसी भी प्रकार से ओवर करते हैं तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य की समस्या दिखाई देती है। किसी के कहने पर, किसी के प्रेशराइज करने पर भी अगर आप भोजन ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत ज़रूर दिखाई देगी। वेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर एक अच्छा प्लान बनाने की क्षमता आपके अंदर है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा इस वक्त दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के वेल्थ भी यहाँ पर आपकी अच्छी जनरेट होते हुए दिखाई देती है। आपके पास वैसे भी नेचुरल एक नए आइडिया हमेशा रहते हैं, और इस वक्त की बात की जाए तो नए आइडिया से भरपूर आपके पास हर प्रकार के रास्ते भी खुले हुए हैं, और नए आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए पावर भी आपको मिली हुई है। तो आप उसे बिल्कुल एक्सक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को।
ट्रैवल की बात कर लें तो यहाँ पर गुड टाइम यहाँ पर दिखाई देता है, एक अच्छा समय दिखाई देता है अपने परिवारजनों के साथ एक नए एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। आप घूमने फिरने ज़रूर जाने वाले हैं, अपने दार्शनिक स्वभाव के लिए आप वैसे भी जाने जाते हैं और दार्शनिक स्वभाव आपका आपको घूमने फिरने की ओर प्रेरित करेगा इस वक्त मार्च का महीना। तो मार्च 2023 में आपको कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, उसका जो राशिफल है वो आपके फेवर में ही जाते हुए दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। बात करें मीन राशि की, यानी अगर आपका पाइसेस साइन है तो निश्चित तौर पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो यहां पर इंप्रेसिव बिल्कुल दिखाई देती है। इस वक्त आप दूसरों की बातों को सुनने का प्रयत्न पूरी तरीके से करेंगे और दूसरों की बातों को सुन करके समझ करके ही उस पर प्रतिक्रिया देने की आपके अंदर जो काबिलियत है वो यहाँ डेवलप होते हुए दिखाई देती है। ये चार्ट में जब सूर्य और बुध का जब राशि परिवर्तन से आपका जो 16 मार्च और 17 मार्च को जब राशि परिवर्तन होगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक एक जो गर्व की अनुभूति है वो भी यहाँ पर कराने वाला है। अपने कार्य से अपनी पर्सनालिटी को आप इम्प्रूव करने वाले हैं। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बात करने की, अपनी बातों को कहने की इच्छा यहाँ पर आपकी ज़रूर हो सकती है मार्च के महीने में। एक नई ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई देती है आपकी अपनी पर्सनालिटी में, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको ज़रूर लेना चाहिए और पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की आपकी जो चाहत है उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। एजुकेशन की बात कर लें तो नए सब्जेक्ट का चुनाव यहाँ पर आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में कोई इंजीनियरिंग का या इसका जैसा सब्जेक्ट आप चुनाव करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप चुनाव कर सकते हैं। ये समय उसके लिए आपको हर प्रकार से सहयोग करता हुआ दिखाई देता है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप बहुत ही नॉर्मल होने वाला है, ना कोई अप होगा बहुत ज़्यादा, ना कोई बहुत ज़्यादा डाउन होगा। गलती करेंगे तो नुकसान होगा और गलती नहीं करेंगे तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से बॉन्डिंग आपकी बनी रहेगी, आपके अपने लव पार्टनर से भी और अगर जिनका आपका मैरिटल लाइफ है उनके से भी आपका जो बॉन्डिंग है वो पूरी तरीके से अच्छी बनी हुई होगी। हेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर बैड फूड हैबिट आपको परेशान कर सकता है, इसलिए बैड फूड हैबिट को आपको हर प्रकार से उससे बचने की यहाँ पर ज़रूरत दिखाई देती है। वेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर आपके वेल्थ में जब शुक्र की पोजीशन आ जाएगी तो यहाँ पर आपका ये दूसरा भाव होगा और दूसरे भाव में मेष राशि आपके रहती है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप वेल्थ जब जनरेट करेंगे तो यहाँ पर हाई रिस्क लेने की भी यहाँ पर आपकी क्षमता यहाँ पर दिखाई देती है। मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा अप्रोच आपका इस वक्त बना हुआ है और हाई रिस्क लेने में भी आप किसी भी प्रकार से कोई चूक नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कम समय में अधिक पैसा आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको हाई रिस्क का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, हाई रिस्क हमेशा खतरनाक होता है, नाम ही उसका है हाई रिस्क, तो इसलिए हाई रिस्क वर्क करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आप प्लस और माइनस दोनों बातों का विचार कर लें, उसके बाद आप अपनी वेल्थ को जनरेट करने के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आगे बढ़ें। ट्रैवल्स की बात करें तो यहाँ पर आपका एक प्रोग्राम यहाँ पर ज़रूर घूमने फिरने का ज़रूर बनने वाला है। थोड़ा सा आप दूरी पर भी जाकर के यात्रा कर सकते हैं, अपने घर से अपने जो शहर है उससे थोड़ा दूर जाकर के, तो निश्चित तौर पर घूमने फिरने का एक प्रोग्राम यहाँ पर ज़रूर बनता हुआ दिखाई देता है। ट्रैवल की बात कर लें तो यहाँ पर यस, आपका ट्रैवल यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है। टिकट बुक कराने की आप तैयारी अभी से ही कर रहे हैं। तो मित्रों, कुल मिला करके मिला जुला और बहुत अच्छा परिणाम आपको यहाँ दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अपने कमेंट हमें ज़रूर दें, नीचे सुझाव हमें ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।